नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर दी हैं। वह दो चरणों में इस देश में चुनाव भी करा चुका है। उसने 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया था 23 मई को। जी हाँ, 23 मई को चुनाव परिणाम आएंगे, इस देश में एक नई सरकार चुनी जाएगी। पहले चरण में 11 अप्रैल को 91 सीटें, दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 97 सीटों में चुनाव हो चुका है। वहीं तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 115 सीटों में, चौथे चरण में 29 अप्रैल को 71 सीटों में, पांचवें चरण को 6 मई को 51 सीटों में, छठवें चरण 12 मई को 59 सीटों में, सातवें चरण 19 मई को 59 सीटों में वोट डाले जाएंगे। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो हम आपको बता दें, प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 29 अप्रैल को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, 6 मई को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल, 12 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, अंतिम चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में वोट डाले जाएंगे। हम आपको बता दें, 29 अप्रैल को, जी हां, 29 अप्रैल को छिंदवाड़ा में लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव लड़ा जाएगा। यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा का चुनाव, तो उनके पुत्र, यह तो बात हुई प्रदेश देश की। अगर बात रीवा लोकसभा क्षेत्र की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं। पूरे विंध्य में 4 लोकसभा की सीटें हैं, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल। हम आपको बता दें, रीवा में सुंदरलाल तिवारी, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है, उनके पुत्र को यहाँ से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी जनार्दन मिश्र पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। अगर बात सतना की जाए तो सतना में लगभग 32 सालों बाद कांग्रेस ने एक बार जातिवाद का कार्ड फिर से खेला है और ब्राह्मण प्रत्याशी को अपना वहां से प्रत्याशी बनाया। मैं बात कर रहा हूं राजाराम त्रिपाठी की। उनके खिलाफ पिछला 3 बार लोकसभा चुनाव जीते गणेश सिंह एक बार फिर से मैदान में है। वहां का चुनाव भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। या मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के दौरान विंध्य में बहुजन समाज पार्टी, जिसको कहा जाता था या यहां पर तीसरी शक्ति के रूप में है, उसका लगभग विघटन हो गया है। उसके सारे प्रत्याशी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो कुछ कांग्रेस में चले आए। अगर लोकसभा प्रत्याशियों की बात की जाए तो पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ी हिमांद्री सिंह, दलवीर सिंह की पुत्री, जी हां, कांग्रेस से उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था। इस बार वह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक प्रतिमा सिंह इस बार कांग्रेस के पाले में है और कांग्रेस से शहडोल से लोकसभा का चुनाव लड़ रही। सीधी में पिछला चुनाव अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल भैया, जिन्होंने सतना से चुनाव लड़ा था और बहुत कम वोटों से मोदी लहर के बाद भी हारे थे, इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली है, वो अपने गृह क्षेत्र सीधी चले गए हैं। मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं, वो विधानसभा का चुनाव चौरहट से हार गए थे। इस बार उनके लिए वहां पर सहानुभूति की एक जबरदस्त लहर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वहां पर रीति पाठक संकट में घिरी दिखाई दे रही हैं। उनकी पार्टी का विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहां पर पार्टी में टूटन को बचाव करने के लिए लगातार लोगों से, नेताओं से बात कर रहा, फिर भी अभी तक वहां पर जो भी भारतीय जनता पार्टी में एक टूट की लहर चल रही थी वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम आपको बता दें, रीवा की लोकसभा सीटों में रीवा, सिमरिया, सिरमौर, तेउथर, मऊगंज, देवतालाब, मनगवां, गुड़ की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं।
यह की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा में जीती थी। हम आपको बता दें, देश में पहली बार 1951 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। अगर बात रीवा लोकसभा की जाए तो हम आपको बता दें 284,000 मतदाताओं ने पहले चुनाव में भाग लिया था। कांग्रेस के राजमान सिंह तिवारी महज 3,301 वोटों से जीते थे। लोकसभा चुनाव में अभी तक 245 उम्मीदवार किस्मत अजमा चुके हैं। जीत केवल 11 उम्मीदवारों के खाते में आई है। यहां पर एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, 1996 में सर्वाधिक 75 उम्मीदवारों ने रीवा विधान लोकसभा में अपनी किस्मत अजमाई थी। जीत बीएसपी के बुद्धसेन पटेल के खाते में गई थी। उन्होंने कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के पिता सुंदरलाल तिवारी को 12,382 वोटों से हराया था। पहले चुनाव में जहां 5 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं 1971 व 1977 के चुनाव में महज 4-4 प्रत्याशियों ने ही अपना भाग अजमाया। 2004 के चुनाव में एक घर में सर्वाधिक 1250 मतदाता मनगांव विधानसभा के मढ़ी गांव में पाए गए थे। यह भी अपने आप में एक दिलचस्प वाकया है रीवा लोकसभा को लेकर। 1951 में 284,000 लाख मतदाताओं का सफर 68 सालों में बढ़कर 1666 लाख हो गया। अगर बात सर्वाधिक बड़ी जीत की जाए तो 1980 में महाराजा मार्तन सिंह ने 294,234 वोट पाकर यमुना प्रसाद शास्त्री को 238,357 वोटों से हराया था। महाराजा मार्तंड सिंह की इस जीत से ज्यादा वोट अभी तक केवल 3 बार ही प्रत्याशियों को 1998, 1999 और 2014 में मिले हैं। यहां पर यह बात भी रोचक है कि सर्वाधिक 3 बार चुनाव जीतने का श्रेय भी महाराजा मार्तंड सिंह के नाम है। वहीं कांग्रेस नेता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी 5 बार चुनाव लड़े और महज 1 बार ही जीत पाए। यहां पर मैं एक बात आपको और बड़ी दिलचस्प बात बता दूं, यहां पर प्रखर समाजवादी नेता हुआ करते थे यमुना प्रसाद शास्त्री। उन्होंने यहां पर पति पत्नी दोनों को भी रीवा लोकसभा चुनाव में हराया। मैं बात कर रहा हूं महाराजा मार्तंड सिंह और महारानी प्रवीण कुमारी की, दोनों को ही यहां पर यमुना प्रसाद शास्त्री ने शिकस्त दी थी। महाराजा मार्तंड सिंह ने 1971 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को भी पराजित किया। वहीं समाजवादी नेता यमुना प्रसाद शास्त्री ने 1977 में महाराजा मार्तंड सिंह को हरा दिया। रीवा लोकसभा जो 1951 में पहली बार यहां पर आई थी, 284,000 मतदाता थे यहां पर। मैं आपको यहां की कुछ रोचक बातें बता दूं, मैं आपको बता दूं यहां से प्रखर समाजवादी नेता यमुना प्रसाद शास्त्री, जिन्होंने यहाँ के महाराजा महारानी यानी पति पत्नी दोनों को भी हराया, वो नेत्रहीन थे। कहा जा सकता है हिंदुस्तान ने पहला लोकसभा में पहुंचने वाला नेत्रहीन सांसद रीवा ने ही दिया था। वहीं भीम सिंह पटेल आज बहुजन समाजवादी पार्टी बड़े रूप में दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर पहला सांसद रीवा ने ही दिया था। उस चुनाव में यहां लोकसभा में भीम सिंह पटेल जीते थे, तो वहीं पूरे देश में इस पार्टी के संस्थापक काशीराम भी चुनाव हार गए थे। बात अगर वर्तमान चुनाव की जी जाए तो यह 17वीं लोकसभा का चुनाव है। यहां पर इस बार सुंदरलाल तिवारी जो पिछले 5 चुनाव में लगातार यहां से लोकसभा चुनाव का लड़ चुके थे, लेकिन जीत उनके खाते में केवल 1 बार आई थी। इस बार उनका निधन हो गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सहानुभूति बटोरने के लिए उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले चुनाव में जीते कैंडिडेट जनार्दन मिश्रा पर एक बार फिर से विश्वास प्रकट किया है।
वह लोकसभा से अभी तक कांग्रेस 6 बार, भारतीय जनता पार्टी 3 बार, बीएसपी 3 बार चुनाव जीत चुकी है। 2019 का चुनाव नई उम्मीद नई चुनौती, देश में 19 का चुनाव नई उम्मीदों के साथ लड़ा जाएगा, नए मुद्दों के साथ लड़ा जाएगा। अभी तक 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर के इस बार के चुनाव में बेरोजगारी, उद्योग धंधे, ये तमाम दावे जिनको बेस बनाकर पार्टियां किसी जमाने में चुनाव लड़ती थी, इस बार ये सारे दावे हवा हवाई हो गए हैं। तमाम वो बातें जिनका लोकसभा चुनाव के दौरान ही इस्तेमाल होता है, वो ही दिखाई दे रही हैं। जातिवाद, राष्ट्रवाद, तमाम तरीके की वो बातें जिनका देश के विकास, समाज के विकास पर किसी तरीके का कोई भी रोल नहीं होता, इस समय चुनावी फिजा में बिखरी हुई हैं। मैं रीवा दर्शन की तरफ से तमाम अपने लोगों से, तमाम शहर वासियों से, इस बुलेटिन को देख रहे तमाम लोगों से एक निवेदन करता हूं, मैं उनसे कहूंगा कि वो निश्चित रूप से अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में मतदान करने अवश्य जाएं, सोच समझकर मतदान करें, चुने हुए उस प्रत्याशी को वोट दें जो आपके क्षेत्र का, आपके समाज का, आपके प्रदेश का, आपके देश का विकास कर सके। रीवा दर्शन के लिए आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।